इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द एचडीएलसी प्रोटोकॉल। तो एचडीएलसी जो आपने देखा था कि वो पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए यूज़ हो रहा, दैट इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों के लिए यूज़ हो रहा था। बट अगर मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल के लिए बात की जाए जो पॉइंट टू पॉइंट के लिए यूज़ होती है, वो है आपकी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसे हम ट्रिपल पी प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल होती है इज़ अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। आपकी जो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल होती है, इट इज़ अ बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। वहीं जब हमने एचडीएलसी की बात की थी, तो एचडीएलसी जो आपकी होती है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। तो एचडीएलसी और ट्रिपल पी प्रोटोकॉल में जो आप डिफरेंस देख सकते हैं, एचडीएलसी आपकी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है, वहीं ट्रिपल पी जो आपकी होती है वो बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ याद होनी चाहिए। सो अगर हम ट्रिपल पी की बात करें, तो ट्रिपल पी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हैं कि आज मिलियन ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं जो अपने घर के कंप्यूटर को सर्वर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जो इंटरनेट यूजर्स होंगे, जो आईएसपी से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे, वो जो मैकेनिज्म या प्रोटोकॉल को जो फॉलो करते हैं, वो प्रोटोकॉल ही ट्रिपल पी प्रोटोकॉल है, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहते हैं। नाउ अगर हम मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ जो यूजर्स हैं वो ट्रेडिशनल मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, और ये सो दीज मॉडेम्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू अ सम सॉर्ट ऑफ टेलीफोन लाइन। तो जो टेलीफोन लाइन्स होती हैं वो आपको क्या होती हैं, ये टेलीफोन लाइन को जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो फिजिकल लेयर्स के जरिए होती हैं। बट कंट्रोल और मैनेज करने के लिए होता है, आपके डेटा को मैनेज करने के लिए आप जो लेयर पर यूज़ करते हैं, आप डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, वही वो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और यहाँ पे ट्रिपल वी प्रोटोकॉल जो होता है, वो ट्रिपल वी प्रोटोकॉल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ट्रिपल वी प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर से होकर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए आपको यूज़ होता है, आपके मॉडम के ज़रिए जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड होता है, उस इंटरनेट को कैसे मैनेज करना है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र प्रोवाइड करना है, उन हर जगह पे आपको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, सिर्फ ट्रिपल पी प्रोटोकॉल, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। नाउ अगर हम बात करते हैं ट्रिपल पी फ्रेम फॉर्मेट के बारे में, तो ट्रिपल पी फ्रेम फॉर्मेट में आप देख सकते हैं आपके दोनों साइड में, दैट इज़ दोनों डेलिमीटर्स पे, यहाँ पे इस शुरुआत में और लास्ट में आपके फ्लैग्स होते हैं। जो फ्लैग्स होते हैं उसकी साइज़ 1 byte होती है, और इस बाइट 1 byte का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है, दैट इज़ 0 7 6 times 1 3 4 5 6 times 1 and followed by a 0। तो ये जो बिट पैटर्न होता है, या इसको 1 byte भी आप कह सकते हैं, ये फ्लैग के कांस्टेंट होते हैं, आपको एचडीएलसी में भी यही यूज़ होता है। वहीं हम एड्रेस की बात करते हैं, तो जो एड्रेस का एड्रेस आपको 1 byte का होता है, उसका जो पैटर्न होता है वो 8 times 1 होता है। वो 8 times 1 बेसिकली जो होता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। वहीं हम कंट्रोल की बात करते हैं, तो जो फील्ड होती है, दिस फील्ड इज़ आल्सो सेट टू सम कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज़ 2 times 1 एंड फॉलोड बाय 6 times 0। जैसा कि आपने एचडीएलसी में आपने जैसे देखे थे, अगर एचडीएलसी में आप करेंगे तो एचडीएलसी में भी कंट्रोल का जो 1 byte का पैटर्न होता है वो भी यही होता है, ठीक है। अगर हम ट्रिपल पी प्रोटोकॉल की बात करें, तो ट्रिपल पी प्रोटोकॉल जो होता है वो डज नॉट डू एनी सपोर्ट टू द फ्लो कंट्रोल, और वहीं एरर कंट्रोल भी होता है, वो भी लिमिटेड तौर पर रहता है। तो इस फील्ड को, जो कंट्रोल फील्ड होती है, इसको आप अगर दोनों पार्टी नेगोशिएट करें तो इस फील्ड को आप क्या कर सकते हैं, ऑमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वहीं हम इस प्रोटोकॉल फील्ड की बात करें, तो प्रोटोकॉल फील्ड जो होता है आपको ये डिफाइन करता है कि वॉट इज़ बींग कैरीड इन द डेटा फील्ड, आपके डेटा फील्ड में क्या कैरी किया जा रहा है, क्या वो यूज़र डेटा है या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है। ये जो आपका साइज़ होता है, इसका 2 byte लॉन्ग हो सकता है और 1 byte से लेकर 2 byte लॉन्ग तक इस प्रोटोकॉल को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके यूज़र डेटा या अदर इन्फॉर्मेशन को ही डिनोट करता है। वहीं अगर हम पेलोड की बात करते हैं, तो जो आपका पेलोड होता है, इट ऑल्सो कैरीज द यूज़र डेटा और अदर इन्फॉर्मेशन होते हैं। और ये डेटा फील्ड जो होता है, ये इट इज़ ऑल्सो द सिक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है विद द डिफ़ॉल्ट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 1500 bytes। तो ये सिक्वेंस ऑफ बाइट से होता है, और उसका जो मैक्सिमम साइज़ हो सकती है वो 1500 bytes हो सकती है, और ये चेंज भी हो सकता है डिपेंड ऑन द सेंडर या रिसीवर के नेगोशिएशन पे। बट
ये जो फील्ड होता है, इस फील्ड को हम बाइट स्टफ्ड करते हैं। बाइट स्टफ्ड मैंने बताया इसलिए करते हैं, हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो फ्लैग के जो पैटर्न है उससे सेम हो सकता है, तो आपके डेटा को फ्लैग से अलग करने के लिए आप इसमें बाइट स्टफिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसकी जो अगर आपकी पैडिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, पैडिंग तब होती है कि जब अगर साइज़ आपकी जो डेटा की साइज़ है वो लेस देन द मैक्सिमम डिफॉल्ट वैल्यू है, देन वी ऑल्सो परफॉर्म द पैडिंग। तो पैडिंग इफ द साइज इज लेस देन वी एड सम एक्स्ट्रा बिट्स एंड वी डू द बाइट स्टफिंग टू चेक आवर टू यूज द फील्ड फ्लैग डेट टू यूज द फ्लैग एज योर ओन डेटा। वहीं लास्ट हम FCS की बात करें तो FCS को हम कहते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस, जो कि जनरली 2 byte और 4 byte का होता है। तो आपने देख लिया कि आपके फ्लैग्स और डेलीमीटर्स हो गया, एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपने यूज़ कर लिया, कंट्रोल आपके ऊपर है, आप यूज़ भी कर सकते हैं नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज़र डेटा इन्फॉर्मेशन को कैसे आप उसको आपके क्या कैसे कैरी कर रहे हैं, पेलोड भी सेम आपके डेटा और इन्फॉर्मेशन को होता है, इसमें बाइट स्टफिंग और आप पैडिंग भी करते हैं। पैडिंग अगर तभी करते हैं कि जब आपका डेटा स्मॉल हो। FCS आपके फ्रेम चेक सीक्वेंस के लिए होता है। सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन योर PPP फ्रेम फॉर्मेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो PPP होता है आपका बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, तो बाइट ओरिएंटेड इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें स्टफ करते हैं डेटा को एज एन एस्केप कैरेक्टर, सो दैट आपका जो डेटा एज एन फ्लैग है वो आपके यूज़ कर सकें, वो फ्लैग जैसे डिनोट ना हो। तो एस्केप कैरेक्टर का पैटर्न आपका ये होता है। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई नीड टू डिस्कवर एंड आई नीड टू लेट यू नो कि आपके डेटा लिंक कंट्रोल में कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। एक्सेप्ट देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस PPT यू कैन गो थ्रू बाई योर ओन, बट फॉर दिस चैप्टर दिस इज़ कम्प्लीट डिटेल ऑफ डेटा लिंक कंट्रोल। थैंक यू स्टूडेंट्स।